यहाँ से बैठ के प्रणाम कर पा रहा हूँ। एंकरेजिंग पोलाइटिस ये रीड के डिस में ऐसे स्टेज में नहीं होता, बहुत भयंकर होता है। तो अभी बेटा पहले 5 मिनट भी नहीं बैठता, नहीं बैठ पा रहा था, अभी आधे घंटे तक बैठ पाता हूँ। अब यही आकर के हाँ, दो दिन में इतना फायदा हुआ है, जो बेटा 5 मिनट नहीं बैठ पाता था एंकलोजिंग फ्लाइटिस की वजह से, वह आधा घंटा आराम से बैठ जाता है, फिर थोड़ा कष्ट होता है तो थोड़ा सा शवासन कर लेता है। ये 2 दिन का परिणाम है बेटा, ऐसे रोज करना सुबह शाम। मैंने ठीक किए इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारा खाली उत्साह बढ़ाने के लिए नहीं। कितनी उम्र है बेटा राहुल? 22 साल। एंकलोजिंग फ्लाइटिस पूरी दुनिया में इसकी कोई दवाई है ही नहीं, सारी दुनिया छान मारो आप। एंकलोजिंग फ्लाइटिस मैंने कहा नहीं, कुबड़ापन जिसको कहते थे पहले, कुबड़ापन पहले बुढ़ापे में कभी किसी को होता था, अभी बच्चों को होने लगी सब बीमारियां। तो बेटा रोज प्राणायाम करना, थोड़ा चिलाजीत अश्वगंधा ये सब औषधियां है ना, दूध में हल्दी ये सब लेना, आयुर्वेद की थोड़ी औषधि लेना, और फिर दोबारा आकर के मेरे को बताना 9 महीने में। सुन लो, 9 माह में पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ये मैं जो है सबके लिए कह रहा हूं। 1-2 दिन में, वैसे तो 1-1 क्षण में रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन होता है, 9 महीने के अंदर कितनी बड़ी बीमारी हो दुनिया की, वो सारी बीमारी आप मिटा सकते हो। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं, जो करोड़ों लोगों पर मैंने किया। 9 महीने में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कितना ही भयंकर मोटापा, कितने ही भयंकर अर्थराइटिस, कितना ही भयंकर हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर और एंकलोजिंग फ्लाइटिस जैसे रोग जैसे बेटे राहुल को आए, है ना बेटा? अब दर्द भी होता था क्या? हाँ बहुत दर्द होता है, अब उसमें कम हुआ है कुछ? हाँ बहुत रिलीफ मिल गया, और मैंने 2 केजी वजन भी घटा लिया अभी तक। वजन कितना था बेटा? 69.500 था, अभी 67.400 है, अब नॉर्मल आ गया है। वजन जितना एक्सेस होगा उतना ही कम होगा, अब जैसे अब मेरा जितना सेट है उतना सेट है ना, ऐसा थोड़ी है कि मेरा रोज कम होता रहेगा, आपका रोज घटा रहा हूँ, आप जितना मैं कर रहा हूँ, मेरा कोई कम हो गया क्या? यदि ऐसे कम होगा तो मेरी तो हड्डी पथरियां खत्म हो जाएंगी सब।